हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिमेट्रिक सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि ये दोनों सेम होते हैं या फिर इनमें कुछ डिफरेंस होता है, इसी पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये हो गया CH3 और ये है इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन पर चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, और ये पूरा मॉलिक्यूल कायरल है। क्यों? क्योंकि एक कायरल सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल कायरल है, तो ये जो कार्बन है हम इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम कायरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो कायरलिटी वर्ड यूज़ करते हैं, वो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक है, क्योंकि हम कायरल कार्बन इसको तभी बोल रहे हैं क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल कायरल है, हम तभी इसको यूज़ कर रहे हैं कायरल कार्बन। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कायरल नहीं होता तो हम वहाँ पर कायरल कार्बन यूज़ नहीं करते, वो गलत होता क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल टार्टरिक एसिड ले लेते हैं, यह है टार्टरिक एसिड OHH और COOH। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये मॉलिक्यूल अकायरल होता है, ये पूरा मॉलिक्यूल अकायरल है, तो हम यहाँ पर इस वाले कार्बन को, इस पर चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं देखो यहाँ पर, तो हम इसको कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पर अकायरल है, हम इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन या फिर हम इसको स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं, स्टीरियो सेंटर। ठीक है, स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही बात है, कुछ भी बोल दो, दोनों एक ही होता है, स्टीरियो सेंटर भी और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि हम इसको क्या क्या बोलेंगे, एक तो ये है एसिमेट्रिक कार्बन, हम इसको कायरल कार्बन भी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे और इस वाले कार्बन को स्टीरियो सेंटर भी बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं चारों, इसलिए इसको स्टीरियो सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन भी बोलेंगे। ठीक है, इतना करेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। एक तो हमने यहाँ पर यूज़ किया जहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल कायरल था, फिर हमने इसको बोला स्टीरियो सेंटर। हमने यहाँ पर भी यूज़ किया, मॉलिक्यूल अकायरल था बट हमने फिर भी स्टीरियो सेंटर यूज़ किया। एक्चुअल में जो स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि किसी कार्बन पर अगर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप अटैच्ड हैं और उनमें से कोई दो सब्स्टिट्यूएंट या फिर दो ग्रुप इंटरचेंजेबल होते हैं, तो वहाँ पर हम उस सेंटर को या फिर उस कार्बन को, उस कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टीरियोजेनिक कार्बन या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, अब इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है, किसको बोलेंगे हम कि इंटरचेंजेबल ग्रुप है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पर मिरर लगाती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये इथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन राइट साइड था और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया लेफ्ट साइड, हो गया ना डिफरेंस, यहाँ पर राइट साइड था और यहाँ पर लेफ्ट साइड है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स में आपको पता है कि हम किसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, जिनमें कनेक्टिविटी तो सेम होती है या फिर मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट उनकी स्पेशल एटम्स के जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है,
देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, बट डिफरेंस किस में है? यहाँ पर हाइड्रोजन राइट साइड है और यहाँ पर यह हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है। इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, इनको इनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। और यह है यहाँ पर स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सिस ट्रांस होते हैं, यहाँ पर है हाइड्रोजन और यह है CH3, और इसको ले लेती हूँ CH3, और यह यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टीरियो सेंटर या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर, दोनों एक ही बात है। बट हम इस कार्बन के लिए कभी भी एसिमेट्रिक कार्बन यूज़ नहीं करेंगे या फिर कायरल कार्बन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर जो सिस और ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं उनके लिए हम कायरल यूज़ नहीं करते हैं, वो कायरल होते हैं, वो कायरलिटी को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना तो कायरल कार्बन बोलेंगे ना ही असीमेट्रिक कार्बन बोलेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिर्फ स्टीरियो सेंटर। ये डिफरेंस होता है कि जो एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, ये केवल हम यूज़ करते हैं जहाँ पर कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। बट स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर हम उस केस में भी यूज़ करते हैं जहाँ पर कार्बन के साथ चारों ग्रुप अटैच्ड हों, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, और वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर सिस और ट्रांस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर स्टीरियो सेंटर। और दूसरी बात, हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर, यह यहाँ पर Cl और यह हाइड्रोजन, और यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है Cl, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके लिए भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टीरियो सेंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे कायरल कार्बन, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल कायरल है, इसलिए हम यहाँ पर कायरल कार्बन यूज़ कर सकते हैं। और स्टीरियो सेंटर भी है, यहाँ पर इसको स्टीरियो सेंटर भी बोलेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तो इस वाले कार्बन के लिए हो गए। अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? मॉलिक्यूल तो पूरा कायरल है, तो हम यहाँ पर कायरल कार्बन यूज़ नहीं करेंगे, ये है स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, ये हो गया। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये है कायरल, यहाँ पर भी इस वाले कार्बन के लिए हम कायरल कार्बन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम स्टीरियो सेंटर जो कायरल कार्बन होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और उसके लिए भी यूज़ करते हैं जो कार्बन अकायरल होता है या फिर जो मॉलिक्यूल अकायरल होता है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अकायरल है फिर भी हम इसके लिए स्टीरियो सेंटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कायरल है फिर भी हम इसके लिए स्टीरियो सेंटर यूज़ कर रहे हैं। और जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है और जो कायरल कार्बन होता है उनको हम तभी यूज़ करते हैं जिस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं, ठीक है। हम इनके लिए जो मॉलिक्यूल अकायरल होते हैं हम उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।